2029, ज्यादा साल की बात नहीं कर रहा, 6 साल डाउन द लाइन चाइना विल ब्रेक, चाइना विल ब्रेक इन टू स्मॉलर प्रोविंसेस, चाइना का टूटना टाइम है। ये जो हमें प्रॉब्लम दिख रही है टिप ऑफ द आइसबर्ग है। चाइना का क्यूमुलेटिव डेट सुनिएगा $53 trillion पहुंच चुका है, $53 trillion विच इज 55% ऑफ ग्लोबल GDP। चाइनीज का मानना क्या था, आप इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओ, दुनिया को दिखाओ, दुनिया से पैसा लो। फिर इन्होंने दुनिया भर को पैसा उधार दिया, फिर इन्होंने अब ये लेते कहाँ से। देखिए पैसा आता तीन जगहों से, एक आता पेंशन फंड से, एक आता यूरोपियन बैंक से। अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के रहते रहते अपनी कन्नी काट दी थी, इनसी PCAOB एक्ट के दौरान ये क्या करते थे, अमेरिकन स्टॉक मार्केटों से पैसा उठाते थे। 19 कंट्रियों में तो हमारा रुपया चल रहा है। अब इसमें एक चीज लोग नहीं समझ पा रहे जो मैं कल किसी को समझा रहा था, मैंने कहा आप एक बार देखिए, मैं मानता हूँ 30-40-50 कंट्रियों में रुपया पहुंच गया। पहली बात है, अगर आपके पास इंडियन रुपये होगा, आप गुड्स या सर्विस तो हमसे ही लेंगे। $770 billion का हम एक्सपोर्ट कर चुके, और 2030 तक हम $1.5 trillion का गुड्स और $500 billion के सर्विसेज, तो ये होगा। तो ये मैं प्रेडिक्ट कर चुका था, पीयूष गोयल जी ने इसका विजन डॉक्यूमेंट भी रिलीज कर दिया। मेरा मानना है 2035 तक वी माइट इवन एक्सीड चाइना इन एक्सपोर्ट्स। क्यों, हमारा जो इसका लॉजिक है, देखिए अभी प्रेजेंट परिस्थिति में 2 trillion का तो हमने रोड मैप हमारे पास रेडी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम में, और आज हम बात करेंगे चाइना से जुड़े हुए कुछ खास मुद्दों पर, और उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके जाने पहचाने सुमित पीर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर द इन्विटेशन अंबर जी। थैंक यू सुमित जी, आप हमारे शो पर आए समय निकालकर, उसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। सवाल और जो चर्चा का विषय है वो ये कि चाइनीज इकोनॉमी पे मैं आपके साथ आज चर्चा करने वाली हूँ, और जो चाइना के जो राज्य हैं उन पर बढ़ते कर्ज ने जो शी जिनपिंग हैं उनकी टेंशन को बढ़ा दिया, और कई सारे राज्यों का जो के ऊपर जो कर्जा है वो GDP के 44% तक वो कर्जा पहुंच गया है। और वहीं अगर हम जिनपिंग प्रशासन की बात करें तो वो दूसरी तरफ नौकरियों का भी ऐलान कर रहे हैं, जिससे चिंता और ज्यादा बढ़ रही है। बावजूद इसके जो चीनी सरकार है वो बेल्ट एंड रोड जो इनका इनविटेशन इनिशिएटिव है उसके तहत वो दूसरे देशों को कर्जा देते जा रहे हैं और उससे पास नहीं आ रहे, जिसकी वजह से जो चाइनीज इकोनॉमी है वो हिलती जा रही है। आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए अंबर जी, ये जो हो रहा है जिसका आपने अच्छा चित्रण किया है, ये मैं काफी टाइम से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, और अगर आप मेरी बात माने और आप कुछ थिंक टैंक्स की बात माने, 2029 ज्यादा साल की बात नहीं कर रहा, 6 साल डाउन द लाइन चाइना विल ब्रेक इन टू स्मॉलर प्रोविंसेस, चाइना का टूटना टाइम है। ये जो हमें प्रॉब्लम दिख रही है टिप ऑफ द आइसबर्ग है। चाइना का क्यूमुलेटिव डेट सुनिएगा $53 trillion पहुंच चुका है, $53 trillion विच इज 55% ऑफ ग्लोबल GDP। अपना GDP तो छोटी, अपने GDP से मोर देन 300 मतलब 3 गुना 3.5 गुना चाइना का डेट पहुंच गया। अगर मैं 18 ट्रिलियन भी GDP मानूं, 18 × 3 कीजिए, उससे ज़्यादा चाइना का डेट पहुंच गया। कुछ लोग का मानना है 3.2 times द GDP, राइट, 320% ऑफ GDP। तो मतलब जो परिस्थिति ख़राब है, चाइना का रियल एस्टेट जब डूबा था तो $11 trillion लेके डूबा था, 32% से 33% जॉब्स और GDP को वो कंट्रोल करता था। BRI इनिशिएटिव ठप हो चुका है, BRI में इन्होंने 1.3 ट्रिलियन का लोन लिया था, शायद जिस पे डिफॉल्ट करने वाले हैं, कर चुके हैं। बुलेट ट्रेन्स की बात करें 500 बिलियन, आप आगे बात करें चाइना एयरलाइंस की, एयर चाइना की, अगेन दे आर लूजिंग 400 बिलियन। चाइना रेलवेज इज लूजिंग मोर देन 500 बिलियन आई ईयर। चाइना के पास सबसे बड़ा बुलेट ट्रेन्स का नेटवर्क है, बट इट इज लूजिंग मनी फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स। तो चाइना में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पैसे आ रहे हैं। चाइना में ऑल टाइम हाई ड्राउट है, चाइना इज वाटर डेफिसिट, चाइना फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करता है, चाइना की प्रोडक्शन कम हो रही, चाइना के एक्सपोर्ट्स कम हो रहे, शिपिंग का कॉस्ट दुगना हो गया है, शिपिंग लाइंस अवेलेबल है नहीं, और जो चाइना की बोरोइंग है वो अलार्मिंग है, अलार्मिंग। डेट सर्विसिंग कॉस्ट इज मोर देन $1 trillion। $1 trillion का मतलब है दुनिया में 93% इकोनॉमियों से ज्यादा की GDP से ज्यादा डेट सर्विसिंग कॉस्ट है।
ये अगर आप देखें, मैं पिछले 2-3 साल से इस पर लिख भी चुका हूँ, बोल चुका हूँ, नेशनल टीवी की बात करें, डिजिटल चैनल्स की बात करें, काफी कह रहा हूँ, मैं तो खुल के बोलता हूँ, दुनिया में सबसे बड़ा फसाड, फसाड समझते हैं ना जो बाहर लगाते हैं, इस चाइनीज इकोनॉमी, इससे बड़ा फसाड कोई नहीं है। ऊपर से ये कोविड का चक्कर, फिर इन्होंने देखिए कोविड में इन्होंने सब बंद क्यों किया, ये इसलिए नहीं बंद कर पा रहे थे, अगर ये इकोनॉमी खोलते, कोविड वोविड वहां था नहीं, कोई मरा नहीं चाइना में, बाय द वे कह रहे थे 80% लोगों को कोविड होगा, मरा तो कोई भी नहीं। अगर ये खोलते, जब लोग जाएंगे फैक्ट्रियों में काम नहीं है, अब फिर एक और कॉन्सेप्ट आया डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन्स, फिर दुनिया ने उसका एक बेहतर वर्ड निकला फ्रेंडली ऑफशोरिंग। फ्रेंडली ऑफशोरिंग में आप वहां जाइए जहां आपके दोस्तों के को आप ऑफशोरिंग कीजिए। तो ऑफशोरिंग जो फ्रेंडली ऑफशोरिंग है वो इंडिया आ रही है, वियतनाम आ रही है, बांग्लादेश आ रही है, और भी काफी वियतनाम इधर उधर जा रही है, बट निकल कहां से रही है? अगर आप आंकलन करें निकल कहां से रही, निकल तो चाइना से रही है। अब चाइना ने क्या किया था, चाइना का ये मॉडल है, देखिए चाइना में पावर आता है कम्युनिज्म से, इकोनॉमी चला रहे कैपिटलिज्म पे, ये वैसे ही ऑक्सीमोरॉन्स है, आग और पानी को मिलाएंगे या तो आग बुझेगी या पानी कम हो जाएगा, दोनों नहीं चल सकते। या तो आप कम्युनिस्ट हो तो कम्युनिज्म से इकोनॉमी चलाओ, जैसे रशिया चलाता है, रशियंस इकोनॉमी इज नॉट कैपिटलिस्टिक ड्रिवन, रशियंस इकोनॉमी वर्क्स ऑन कम्युनिस्ट मॉडल, चाइना इज कम्युनिस्ट बाय पॉलिटिक्स एंड कैपिटलिस्ट बाय इकोनॉमिक्स, ये तो नहीं चलेगा ना। अब आप बताएंगे भाई इसका क्या अर्थ है, आपने अभी वो पॉलिट ब्यूरो वाला ड्रामा देखा होगा, एक पॉलिट ब्यूरो में एक ड्रामा हुआ था, 200 लोग आए थे, बैठे थे, अंबर जी मैं ये काफी चैनलों पर एक चीज बोल चुका हूँ, उस ड्रामा में एक कड़ी है जहां चाइनीज मार खा गए, ये जो 200 लोग बैठे थे ये 7 या 11 दिन तक ऐसे बैठे रहे। अब बोले इसमें क्या है, कहीं किसी भी स्टाइल से बैठ सकते हैं, न किसी के सामने माइक था, न किसी के टेबल पे टेलीफोन था, न कंप्यूटर था, भैया तुम काहे को बैठे हो, तो तुम्हें क्या, फिर तो मैनिक्विंस बिठा देते, पुतले बिठा देते, तुम तो इंसानी पुतले बैठे थे। आप बताइए पॉलिट ब्यूरो, ना बंदे के सामने माइक है, ना उसके पास कंप्यूटर, ना टेलीफोन है, तो वो तो फिर बैठा है वहां पे, वो तो दिखाने के लिए बैठा है। अब कोई भी सभा हो, अधिवेशन हो, आपके पास टेलीफोन होगा, माइक होगा, कंप्यूटर होगा, कुछ तो होगा, सो दैट यू कैन टॉक, यू कैन कम्युनिकेट। तो अगर इससे बड़ा इंसानी पॉलिटिकल सर्कस, ह्यूमन पॉलिटिकल सर्कस आपने देखा है? 200, फिर बोला जी हमने पॉलिट ब्यूरो को चूज किया, फिर हमने कमेटी की, कमेटी ने 7 लोग चूज किए, शी जिनपिंग प्रेसिडेंट बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, जो भी। अब हमारे यहाँ 1 बिलियन 100 करोड़ लोग तो वोट देता है, उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं, वहां 200 लोग को लाया गया, उनको बिठाया गया, ना माइक, ना टेलीफोन, ना कंप्यूटर, बस वो फोटो खींचने के लिए बिठा दिए, इससे अच्छे तो पुतले बिठा देते। वैसे चाइनीज लोग रोबोटिक होते, ये इंसानी पुतले होते। अब आप देखिए टाइवे लगा के आए थे, 2 दिन तक हिले नहीं, 11 दिन तक, अंबर जी वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम ना, 11 दिन तक ऐसे बैठना, ये भी चमत्कार है। आपने देखा पहले कभी, हमारा पार्लियामेंट देखिए कितना एक्टिव होता है, कितनी नारेबाजी होती है, गोली मार देते, इसलिए आंख नहीं झपक रही, वो पता नहीं क्या खा के आते हैं, मतलब मिर्च विर्च रखते होंगे जबान के नीचे ताकि आंखें खुली रहे। अब इससे बड़ा ड्रामा, इससे बड़ा नाटक आपने दुनिया में कहीं देखा होते हुए? अच्छा रशिया में ये सब नाटक नहीं होता, रशिया में ये सब नाटक नहीं होता। अब ये जो मॉडल है इनका, चाइनीज का मानना क्या था, आप इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओ, दुनिया को दिखाओ, दुनिया से पैसा लो, फिर इन्होंने दुनिया भर को पैसा उधार दिया, फिर इन्होंने, अब ये लेते कहाँ से? देखिए पैसा आता 3 जगहों से, एक आता पेंशन फंड से, एक आता यूरोपियन बैंक से। अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के रहते रहते अपनी कन्नी काट दी थी, इनसी PCAOB एक्ट के दौरान ये क्या करते थे, अमेरिकन स्टॉक मार्केटों से पैसा उठाते थे। PCAOB एक्ट जब आया तो उसमें ये हुआ कि भाई तुम अपनी 3 साल का हिसाब किताब अमेरिकन ऑडिटर से ऑडिट कराओगे तब हम तुम्हें लिस्ट करने देंगे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 800 चाइनीज कंपनियां अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंजों से भाग गई, क्योंकि वहां हिसाब किताब ही नहीं था, सब गोलमाल था, सब फर्जी बाड़ा था। अब मैं आपके चैनल पे शेयर प्रेडिक्ट कर चुका था, मैंने कहा कि जिस दिन चाइना डूबा उस ये साथ लेके डूबेगा यूरोप और दुनिया भर के पेंशन फंड्स को। यूरोपियन बैंक्स की जो हालत हो रही, मैं क्रेडिट स्विस आपको प्रेडिक्ट कर चुका था 6 महीने पहले, क्रेडिट स्विस जाने वाला है। अब देखा क्रेडिट स्विस का क्या हो गया, नेशनल बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड हैड टू बेल इट आउट, और क्रेडिट स्विस की एक ब्रांच तो शायद HSBC ने $1 में खरीदी थी, तो $1 में $1 में, मतलब एज अ नॉमिनल टोकन।
तो ये जो यूरोप में जो आर्थिक संकट है ना, यूरोप मेरे हिसाब से टाइम बॉम्ब पे बैठा है। रशियन यूक्रेनी वॉर ने यूरोप को खोखला कर दिया, दूसरा खोखला कर दिया चाइना के कर्जे ने, जो चाइना को पैसा देते रहे देते रहे। आज आप देखिए सब यूरोप के नेता चाइना की टिकट कटवा कटवा के सलाम करने जा रहे शी जिनपिंग को, क्यों यहाँ तक फंसे पड़े, यहाँ तक डूबे पड़े। अगर कल को चाइना बोले मैं पैसे नहीं दे सकता, हालत खराब। चाइना ने एक ही चीज बोली थी, बोला कि भाई मैं अपने लोगों को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। पर अगर मैं आपको एक आंकड़ा दूं जो बहुत डरावना आंकड़ा है, देखिए मेल फीमेल रेशो, वन कपल वन चाइल्ड पॉलिसी चलाई थी उन्होंने, मेल फीमेल रेशो ऑफिशियल तो नहीं है, जो सोर्स बेस इंफॉर्मेशन है 64-33 है, 64 मेल है, 36 फीमेल है, मतलब 1:3 हो गया ऑलमोस्ट। लड़कियां ही नहीं बची चाइना में, पहली बात। दूसरी बात, 67% ऑफ द चाइनीज वुमेन आर वर्किंग, 67, माइंड बॉगलिंग, हमारे यहाँ आधा भी नहीं है, और तब भी दे आर नॉट हैविंग अ चाइल्ड। क्योंकि एक वुमेन मैनेजर की जितनी तनख्वाह है एक बड़े शहर में, अगर वो बच्चा पैदा करती है उसकी स्कूल और नैनी का खर्चा उससे ज्यादा है, तो दे आर नॉट हैविंग चिल्ड्रन। अब चाइनीज गवर्नमेंट क्या कर रहा है, बच्चे पैदा करने के लिए इंसेंटिव दे रहा है, तीसरे बच्चे पे ये दे रहा है। तो और आपको मैं बताऊं, आने वाले 22 साल में या 23 साल में, आई थिंक 22 और 23 साल में, चाइना की आबादी विल बी ओनली 800 मिलियन, 1 बिलियन से भी कम हो जाएगी। चाइना की मीडियन एज, हमारी मीडियन एज 28, उनकी हमसे 12 साल ज्यादा है। तो चाइना इज अ एजिंग पॉपुलेशन, और काम करने वाला कोई बचा नहीं है। अब काम करने वाला आएगा कहाँ से, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, काम करने वाला आ रहा है आपके चाहते मुल्क, मजाक कर रहा हूं, हमारे चाहते मुल्क पाकिस्तान से। फर्टिलिटी रेट 3.4, आबादी हो रही है डबल, तो वर्कर कहां से आएगा चाइना में, वर्कर आएगा पाकिस्तानी बच्चा। ये मैं उनके चैनलों पे भी कह चुका हूं, मैंने कहा तुमने अपना मुस्तकबिल बेच दिया चीनियों को। ये देखिए बहुत बड़ा जियो पोलिटिकल गेम हो रहा है, इसलिए पाकिस्तान में वो जमीन भी एक्वायर कर रहे हैं, पाकिस्तान में वो चीजें एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। चाइना की कहानी खत्म है, $53 trillion के डेट के। यही मैं आपसे सुमित जी समझना चाह रही थी कि आखिर BRI के तहत वो दुनिया भर के देशों को कर्ज की पेशकश कर रहा है और दूसरी तरफ खुद कर्जे में डूब रहा है, इसके पीछे का मकसद क्या है, यही मैं आपसे समझना चाह रही थी। वही आपने बताया कि जो उनके सामने चैलेंजेस है उसको ओवरकम करने के लिए दूसरे देशों से वो भरपाई करेंगे उनके थ्रू, यही पॉलिसी है। देखिए BRI क्या था, BRI देखिए चाइना का जो इनके फोर फादर थे, अगर आप माओ की बात करें या उसने बात करें, उन्होंने 150 साल दिए थे। चाइनीज सुप्रीमेसी विल कम इन 150 ईयर्स। ये जो शी जिनपिंग है ना, इज मैन इन हरी, इसने कहा यार 150 साल कितने, अभी कर देता हूँ। चाइना का गेम प्लान बहुत बढ़िया चल रहा था, भगवान भला करे शी जिनपिंग का जिसने वाट लगा दी चाइना की, नहीं तो ये धीरे धीरे अमेरिकन इकोनॉमी में फंस गया था, यूरोपियन इकोनॉमी को इंट्रैगल कर गया था, इनोवेशन ऑफ द वर्ल्ड, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, सप्लाई चेन्स इंटीग्रेट हो गई थी, सब हो गया था। जो चाइनीज बड़ा प्लान था सब हो रहा था, इनका हुआवे का ZTE का इक्विपमेंट दुनिया से डाटा चुरा रहा था, सब कर रहा था। पर ये जो शी जिनपिंग है, इसे कहा यार 1.5 साल किसने देखे, मैं भी कर देता हूँ, 100 साल में ही कर दूंगा। उस चक्कर में इसने गाड़ी का एक्सेलरेटर दबा दिया और गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट, इसके मनसूबे आ गए बाहर, इसका प्लान आ गया बाहर। ये जो एक चाइना में कॉन्सेप्ट है मिडीवियल किंगडम का, ये जो BRI और OBR को स्टडी करेंगे, इट्स अ बेसिकली मिडीवियल किंगडम कॉन्सेप्ट कि हम ये सड़क बनाएंगे, और सड़क बेसिकली क्या है, हमारे लोगों को आने जाने का रास्ता मिलेगा, आप हमें रोक नहीं सकते, आप हमारी टेरिटरी में क्यों आ रहे हो। ये जो एक माइंडसेट की प्रॉब्लम है, दिमागी प्रॉब्लम है कि हन चाइनीज आर डेस्टिन टू रूल द वर्ल्ड, हन चाइनीज जो है दे आर डेस्टिन टू रूल द वर्ल्ड, ये दिमागी फतूर है, ये पागलपन है, ये सनक है कि जो हमारी रेस है, हम दुनिया पे राज करने के लिए पैदा हुए हैं। एक एम्पायर टैंग था, एम्पायर टैंग ने क्या किया, टैंग डायनेस्टी ने, उन्होंने चाइनीज नेवी, एक टाइम में बहुत पावरफुल होती थी, चाइनीज नेवी को डिसबैंड कर दिया, आग लगा दी। क्यों, कहते तुम्हारे पास नेवी होगी तुम साला उल्लू के पट्ठों जाके दुनिया भर पे हमला करोगे और किसी को चैन से नहीं बैठने दोगे। अगर तुम्हारे पास नेवी नहीं होगी, जब तक तुम्हारे पास कोई हमला करने नहीं आएगा तब तक तुम लड़ोगे नहीं। चाइनीज नेवी क्यों वीक हुई, बिकॉज दिस वॉज डिसबैंड डिसमेंटल्ड बाई टैंग डायनेस्टी, एम्पायर टैंग, कि भैया तुम्हारी जो प्रवृत्तियां है वो बहुत खराब है। तो अब ऐसे में क्या किया इन्होंने, उधार से लिया। अब दूसरी समस्या क्या हो रही है, दो समस्याएं हो रही है, डिडॉलराइजेशन दुनिया में हो रहा है, हमारी करेंसी 19 कंट्रियों में चल गई,
आपको जान के खुशी होगी, डॉलर, पाउंड, यूरो एंड फोर्थ सर्कुलेटेड करेंसी एज ऑन रेट वी टॉक इज इंडियन रुपी. फोर्थ, इट इज नॉट प्रेडिक्शन, इट इज रियलिटी. और ये 40-50 कंट्रियों में आती है, IMF की खेती में आ जाएगी, और युआन दो कंट्रियों में चलता है. अब शी जिनपिंग का सट्टा किस पे लगा था? शी जिनपिंग का सट्टा लगा था डिजिटल रीएनटी. डॉलर गिरेगा, मैं डिजिटल रीएनटी को ग्लोबल करेंसी बनाऊंगा. अगर डॉलर को डिजिटल रीएनटी से हटाया जाए तो मेरी दुकान चलेगी. अब भला हो प्रेसिडेंट जो बाइडेन का, उसने डॉलर को वेपनाइज कर दिया रशियन यूक्रेन वॉर में, डॉलर के एसेट फ्रीज कर दिए, डॉलर रशिया को स्विफ्ट से निकाला. जैसे डॉलर वेपनाइज हुआ, उसी दिन वो ग्लोबल करेंसी हिल गई. अब 19 कंट्रियों में तो हमारा रुपया चल रहा है. अब इसमें एक चीज लोग नहीं समझ पा रहे, जो मैं कल किसी को समझा रहा था, मैंने कहा आप एक बार देखिए, मैं मानता हूँ 30-40-50 कंट्रियों में रुपया पहुंच गया. पहली बात है, अगर आपके पास इंडियन रुपये होगा, आप गुड्स या सर्विस तो हमसे ही लेंगे. $770 बिलियन का हम एक्सपोर्ट कर चुके, और 2030 तक हम $1.5 ट्रिलियन का गुड्स और $500 बिलियन के सर्विसेज. तो ये होगा, तो ये मैं प्रेडिक्ट कर चुका था. पीयूष गोयल जी ने इसका विजन डॉक्यूमेंट भी रिलीज कर दिया. मेरा मानना है 2035 तक वी माइट इवन एक्सीड चाइना इन एक्सपोर्ट्स. क्यों? अमर जी, उसका लॉजिक है. देखिए, अभी प्रेजेंट परिस्थिति में 2 ट्रिलियन का तो हमने रोड मैप हमारे पास रेडी है. अब बोलोगे और कहाँ से आएगा भाई? देखिए, जो हमारे पास पैसा रखा है, जो भी दुनिया में कोई होगा उसे गुड्स या सर्विस खरीदने की इंडिया रुपये से ही तो खरीदेगा. इसमें एक और चीज़ है जो लोग सोच नहीं रहे. अरे अंबर जी, अगर 50 लोग के पास इंडिया रुपया बड़ा है, वो आपस में भी तो इंडिया रुपये में ट्रेडिंग कर सकते हैं. केवल इंडिया से ही थोड़ी ना ट्रेडिंग करेंगे. फ्रांस के पास पड़ा, इटली के पास पड़ा, कुछ लेना है, दे कैन इवन ट्रेड इन इंडियन रुपीज. व्हाट स्टॉप्स देम? वी आर नॉट सीइंग दैट एस्पेक्ट ऑफ द रुपी व्हिच विल अल्टीमेटली रिवील द मोमेंट इट क्रॉसेस 30 कंट्रीज. This aspect of the rupee will come into play. So there'll be 2 ways of trailing. One with India and one within that currency. So जैसे ये चीज होगी, ये बहुत बड़ी achievement हो जाएगी. तो इसके होते हुए, और हमारा, अब मैं आपको बताऊं, दो चीजें और important है हमारे दर्शकों को समझना. China का debt $53 trillion. $53 trillion. ये करते हैं ना? और US का डेट, US की कहानी बताओ आपको, US का डेट है $34.1 trillion. US बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है. US का इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो चुका है. $20 trillion चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिवाम के लिए. हर साल $2 trillion लगाने हैं. US में फैक्ट्रियाँ वापस लानी, अमेरिकनों को काम करवाना. और अमेरिका की एक और बात बताऊँ आपको, जिन लोगों को इन्होंने पैसे बांट दिए ना कोविड के टाइम में, वो अब काम करने को तैयार ही नहीं है. कह रहे हम क्यों काम करें, पैसे मिलते रहे. अमेरिका ने अंबर जी $7 trillion छापे हैं, $7 trillion. और जो अमेरिका में 4 times इंटरेस्ट रेट हो गया, कल मैं एक किसी के शो में बैठा था, अमेरिका नहीं है, मैंने कहा जो आपके यहाँ 4 गुना इंटरेस्ट रेट हो गया, क्यों हो गया? मैंने कहा आपको एक और प्रेडिक्शन करूँ. वो थोड़ा सुन के हिल गए. मैंने कहा क्या? मैंने कहा मैंने आपकी बहुत सी कंपनियों के बैलेंस शीट देखे, आपका पैट 1% 8% है, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 0.6-0.5% था, तो आपकी बहुत बिजनेस वाइबल थी. अगर यही इंटरेस्ट रेट जो आपका 4% जो आजकल चल रहा हो गया, लॉट ऑफ योर बिजनेसेस विल क्लोज डाउन. सुनिए आगे कहानी यही नहीं है. अमेरिकन क्यूमुलेटिव डेट हैज एक्सीडेड क्यूमुलेटिव सेविंग्स. एक और खुशखबरी अमेरिका के लिए, इलीगल इमिग्रेंट्स हैव क्रॉस लीगल इमिग्रेंट्स. इलीगल इमिग्रेंट्स हैव क्रॉस लीगल इमिग्रेंट्स एंड 52.5% ऑफ द यूथ मैडम इज ऑन मैरिजुआना. 52.5% of the youth is on marijuana. American universities की बात देखिए, सारे डीन इंडियन है. 50% से ज़्यादा students इंडियन और चाइनीज हैं. कहीं इंडियन है, कहीं चाइनीज है. और 40% है कोकेशन, जिसमें सारी रेस आती है. अगर आप आज एक इंडियन जो 1% डायस्पोरा नहीं है, 6% टैक्स देते हैं. एवरेज हाउस होल्ड की इनकम $50,000 है, इंडियन हाउस होल्ड की इनकम $96,000 है. एवरेज डिग्री है 30% करते हैं, हम लोगों की जो डिग्री है करीब 60% है. तो मतलब चीजें जो अमेरिका, और अब बोले कि सुमित पीर भाई तेरा दिमाग खराब है, तू तो कुछ भी कह देता है, पर मैं डाटा कहता हूँ, कुछ भी नहीं कहता. आप अगर मेरी चीज को वैलिडेट करेंगे, टेड क्रूज का स्टेटमेंट देखिए. टेड क्रूज बहुत पुराना पॉलिटिशियन है, इज अ फ्रंट रनर. उसने खुद बोला है, बोला एट दिस रेट अमेरिकन इकोनॉमी इज एंड दैट इज नॉट सस्टेनेबल. और जैसे डिडॉलराइजेशन होता है, अब डॉलर के टेकर इतने हैं नहीं, इसीलिए तो अमेरिका में पीछे आप देखिए 6 महीने पहले 10.2% इन्फ्लेशन थी, विच वॉज 42 ईयर्स हाई. और यही नहीं, अब 4% इंटरेस्ट रेट क्यों हो गया? क्योंकि डॉलर का टेकर्स आर नॉट मोर. पहले क्या होता था, डॉलर छापते थे, रोकते थे.
जैसे लोकल करेंसियां गिरती थी, डॉलर रिलीज करते थे धीरे धीरे, जो इन्फ्लेशन यहाँ जनरेट होता था वो लोकल करेंसीज पे ट्रांसफर होता था। डॉलर ग्लोबल करेंसी थी, डॉलर स्टोरेज था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ नहीं था, कैश वॉज अवेलेबल टू एनीबडी फॉर एवरीथिंग। ये सारी पैराडाइम बदल रही है और इसको बदलने में रुपी ने बहुत बड़ा काम किया है। देखिए, अमेरिका ने हमारे लिए मौका खोल दिया। आप पूछेंगे कैसे खोला? अदनान खशोगी का केस, नोपेक, रशियन यूक्रेनी वॉर, हमारे लिए यहाँ का ब्लॉक हटा दिया, यहाँ का ब्लॉक हटा दिया, यहाँ का ब्लॉक हटा दिया। और अच्छी खबर ये है, आज सऊदीज हमें कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ एफटीए करें जीसीसी के थ्रू, क्योंकि सऊदीज डायरेक्ट नहीं आएंगे। अगर जीसीसी के थ्रू एफटीए होता है हमारे साथ तो विल डील इन रुपीज। तो आने वाले टाइम में हो सकता है हम सऊदियों से तेल भी रुपयों में खरीदे, रशियन से तो खरीद रहे हैं, सऊदियों से भी उसका तेल रुपयों में खरीदे। और सऊदी में रुपया तो चल ही रहा है, कतार में रुपया चल रहा है। और यही नहीं, आपका यूपीए, अब आपको अगर कतार या सिंगापुर बैंक टू बैंक पैसा भेजना है, आपको स्विफ्ट की जरूरत नहीं, यूपीए के थ्रू भेज सकते हैं। बैंक टू बैंक, इंडिविजुअल नहीं कह रहा मैं, बैंक टू बैंक यू कैन सेंड बाय यूपीआई। यूपीआई इज टेकिंग द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। तो ये जो चीजें हो रही है, और जितना और आप थोड़ा बड़ा पर्सपेक्टिव देखिए, चाइना का पैसा कहाँ से आता है? चाइना का पैसा था अमेरिका से। $600 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, मतलब अमेरिका से 600 बिलियन ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। वो नलका भी टाइट हो रहा है क्योंकि अमेरिका खुद टाइट हो रहा है। तो अंबर जी, और हमारा डेट पता कितना है इंडिया का, ये बताना बहुत जरूरी है। भाई वहाँ यूएस का 34.1 ट्रिलियन, चाइना का 53 ट्रिलियन, 2.28 ट्रिलियन क्यूमुलेटिव डेट, एंड द फॉरेन करेंसी डेट इज ओनली $600 बिलियन। उससे ज़्यादा तो हमारे पास लगभग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। इसीलिए तभी कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज रिसेशन प्रूफ, और आपका सबसे ज्यादा 100% रिसेशन वाली कंट्री है यूनाइटेड किंगडम, द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर, और यूनाइटेड स्टेट्स में चांस है 70-75% का, वह 100% का। यूके का इकोनॉमिक आउटलुक -0.3 और सुपर जर्मनी का इकोनॉमिक आउटलुक -0.1। ये हकीकत जिंदगी है, हार्ड डाटा जो आज हो रहा है, और हमारा रिसेशन का चांस 0। अच्छा सुमित जी, एक सवाल मैं आपसे, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ये जो चाइना में इकोनॉमिक क्राइसिस है, इसका असर जो रियल एस्टेट है वहां पर भी काफी पड़ रहा है, और जिसका हम देख रहे हैं कि काफी कर्ज में भी डूब रहा है पूरा रियल एस्टेट सेक्टर, और काफी हलचल रियल एस्टेट में भी मच रही है इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। आप इस पे क्या कहते हैं? देखिए, रियल, मैं तो प्रेडिक्ट कर चुका हूँ रियल एस्टेट को। आप अंबर जी, एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। 33% जीडीपी कंट्रोल करता है, 33% जीडीपी का चाइना कंट्रोल करता है। रियल एस्टेट के डूबने का मतलब है 11 से 15 ट्रिलियन डूबना। आप भगवान न करे, आप इमेजिन करें अगर इंडिया में कुछ ऐसा हो जाए कि 33% लोग बेकार हो जाए और जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो डूब जाए, क्योंकि चाइनीज रियल एस्टेट हमेशा बबल था। देखिए आइडिया क्या था, मैं तो चाइना करीब 30 बार गया हूँ। चाइना में क्या था, जब आप जाओगे ना उतरोगे, अरे इतनी बड़ी बिल्डिंग, अरे बाबा इतना बड़ा फ्लाईओवर, ये वो चिंग बोलो, तो बहुत तरक्की कर ली, बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग। दे क्रिएटेड अ ऑप्टिकल इल्यूजन, और ये सारा उधार के पैसे पे था, सारा अनसस्टेनेबल था। गोस्टिया बना दी, टावर बना दी जिनमें कोई नहीं रहता, खाली है, बट क्योंकि हम लगाएंगे इससे पैसा आएगा। इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ कर्मा, ये तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। यहाँ इंटेंशन ही खराब है, यहाँ इंटेंशन ही खराब, यहाँ इंटेंशन थी लोगों को बेवकूफ बनाने की, दुनिया का पैसा लूटने की, यहाँ इंटेंशन काम करने की नहीं थी। और आप देखिए, आप ये एक और बात बताऊं, चाइना ने कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनाई, सारी टेक्नोलॉजी कॉपी की है। अब ये फसाद कब तक चलेगा? देखिए रशिया क्यों स्टेबल है? रशिया को आपने स्विफ्ट से निकाल दिया, रशिया को आपने 5,000 से ज्यादा सैंक्शन लग जाए दिए, अब भी उसका इकोनॉमिक आउटलुक यूएस के आसपास का है। क्यों? कंट्री कम्युनिस्ट है, इकोनॉमिक मॉडल भी कम्युनिस्ट वाला है। यहाँ कंट्री तो कम्युनिस्ट है, पॉलिटिकली कम्युनिस्ट है, पर वैसे हम कैपिटलिस्ट है। खुदा ना खुदा किसी को नहीं मानते, पर हमारा एक ही खुदा, पूछेंगे नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसकी फोटो डॉलर पे होती है, बस वैसे हम एथिस्ट है, वैसे हम किसी को नहीं मानते, पर हाँ हमारा खुदा का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये सच्चाई है। मेल फीमेल रेशियो हिला दिया, किसान की जमीन लेके उसे बंधुआ मजदूर बना दिया, तब तक ये नाटक चलेगा। आपने कभी चाइना को बनाने की कोशिश ही नहीं की, यू वर ट्रेयर टू साइफन मनी फ्रॉम द होल वर्ल्ड, दुनिया पे कब्जा करना है। आपका काम ये नहीं था कि खुद अच्छा करो, दुनिया के लिए अच्छा करो, जो हम कहते हैं वासुदेवम कुटुंबकम, अपना भी भला दुनिया का भी भला। तुम्हारा काम था राम नाम जपना, पराया माल अपना, इनका तो यही काम था ना, दुनिया को बेवकूफ बना, माल कमाओ, ऐश करो। और आपको बताऊं, चाइना में
के पार्लियामेंट में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, 250 से ज्यादा लोग बिलियनियर्स हैं, 250 से ज्यादा लोग बिलियनियर्स हैं, और उसी चाइना में 150 बिलियनियर्स मिसिंग भी है जी। जैक मा की हैसियत 330 बिलियन, एक स्टेटमेंट बेचारे के मुंह से निकल गया, डट के आ गया 30 बिलियन, कहां 30 बिलियन से 330। और पता जैक मा आजकल कहां है, पहले गायब हो गया था, आजकल जापान में बैठा है, और पीछे इजराइल गया था खेती के तरीके सीखने, ऑर्गेनिक फार्मिंग के। ये सच्चाई है, आपको बता रहा हूँ, ये चाइना का चमत्कार है। देखिए ऐसे ऐसे ढपली बजाते 330 बिलियन से 30 बिलियन, एक बादशाह सलामत के हजूर में गलती क्या पेश हो गई, 300 बिलियन की हसियत मलकियत उड़ गई। दिस इज अ रियलिटी, आई एम गिविंग यू एग्जैक्ट नंबर्स, दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज चाइना। चाइना जैसा धोखा, चाइना जैसा फसाड़ दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया को ये एडमिट करने में दिक्कत क्यों हो रही, इसके साथ अमेरिकन इकोनॉमी ठुक जाएगी, इसके साथ यूरोप पूरा ठुक जाएगा, इसीलिए वो पर्दा डाल रहे हैं। बट ये पर्दा कब तक चलेगा मुझे नहीं पता, पर पर्दा एक ना दिन उठेगा और असलियत निकल के आएगी, और पर्दे में दरारें पड़ गई है, वो पर्दे अब पर्दे नहीं, पर्दा पड़े पड़े वो धूप से रंग उड़ गया है, और में जो झीरियां बन जाती है ना, छोटे छोटे छेद बन जाते हैं, वो ओके, अब सब कुछ नजर आ रहा है क्या पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। सुमित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मजा आया आपके साथ चर्चा करके हमेशा की तरह, क्योंकि आप इतने सारे फैक्ट्स, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं कि बहुत मजा आता है सुन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार अंबा जी, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।